प्रिय मित्रों, भक्त प्रह्लाद दैत्य पुत्रों को ब्रह्म ज्ञान का जो उपदेश दिए, वही आज हम आपको श्रीमद् भागवत के अनुसार आपको हम कथा कहते हैं। प्रह्लाद ने कहा कि हे भाइयों, बुद्धिमान को चाहिए कि वह बाल्यकाल से ही भगवान की भक्ति करे। मनुष्य हो या राक्षस, ईश्वर ही सबका नियंता है। सुख की इच्छा ही दुख है, और सुख हो या दुख, ये दोनों आते जाते रहते हैं। तब सुख के लिए यत्न क्या है? यत्न तो भगवान के चरणों में उनकी भक्ति के लिए करना चाहिए, जिसका मिलन दुष्कर है। शरीर के स्वस्थ रहते मोक्ष का यत्न कर लेना ही आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य की कुल आयु 100 वर्ष की होती है। इतने समय में इंद्रियों पर पूरा अधिकार प्राप्त हो जाना चाहिए। आहार विहार में विषयों के चिंतन में पड़कर जीवन व्यर्थ ही खो देना मूर्खता है। इससे आयु घटती है और जीवन नष्ट होता है। अज्ञान की दिशा में रहकर जीवन व्यतीत करना पाप है। 25 वर्ष का बाल्यकाल और इतना ही बुढ़ापा 50 वर्ष ले लेता है। शेष 50 वर्ष की युवावस्था में घर के कामकाज और इच्छा की पूर्ति में जाता है, परंतु भोगों का रोग लगा ही रहता है। मोह का फांस कभी छोड़ता नहीं, इच्छाएं कभी पूरी ही नहीं होती। जिस धन की लिप्सा में पड़ा हुआ प्राणी कभी वास्तविक सुख को प्राप्त ही नहीं कर सकता। उस धन को चोर लूट लेते हैं, कभी भाई बांट लेता है, कभी नीचा दी नोच खसोट लेते हैं। तब वह मन ही मन चिंताओं में डूबा हुआ महान क्रोध की अग्नि में जलता रहता है। परंतु इतना सब कुछ होने पर भी वह कभी बालकों की तोतली बोली पर मुग्ध होकर सब कुछ भूल जाता है। कभी स्त्री के प्रेम में अनुरक्त होकर काम क्रोध की अग्नि में जलता है, तो कभी जीविकाओं के चक्कर में पड़ता, तो कभी जिहादी को तृप्त करने में लगा रहता हुआ विषय भोगों से लुब्ध होकर तृप्त नहीं होता। मोह का अमित पास हर समय बांधे रहता है, जैसे रेशम का कीड़ा रेशम को बनाकर स्वयं उसमें फंस जाता है, वैसे ही यह जीव अपने आप ही बंधन में फंस रहा है। मुक्ति तो उसे तब प्राप्त हो जब वह विषयों से वैराग्य करे। कुटुंब की श्रृंखला कभी विरक्त नहीं होने देती। अतः हे दैत्यो, तुम सब इसी लड़कपन में ही विषयों त्याग का अभ्यास बढ़ाकर और दैत्य कर्मों से मुख मोड़ भगवान की शरण में जाओ। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने में कोई बड़ा परिश्रम नहीं करना पड़ता, क्योंकि वे अंतर्यामी और सर्वव्यापक है। हे मेरे सहपाठी बालकों, तुम लोग असुरता त्याग सब प्राणियों पर दया करो और सबका हित चाहो। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। दया और परोपकार से बढ़कर कोई अन्य शुभ कर्म नहीं है। साथ ही हम जो भी सत्कर्म करें उन्हें भगवान पर अर्पण कर देवे, तो इससे भी बढ़कर और कोई कर्म नहीं है। यही परम ज्ञान नारद जी ने मुझसे कहा था। हे राजन युधिष्ठिर, जब प्रहलाद जी ने नारद जी का नाम लिया, तब दैत्यों के बालकों ने कहा कि हे प्रहलाद, अब तक तो हम शुक्राचार्य जी को ही गुरु समझते थे, ये नारद जी व्यर्थ में ही कहाँ से आ गए? हम लोग तो सर्वदा से तुम्हारे साथ हैं, तुमसे नारद जी से कब भेंट हो गई? इससे तो तुम्हारी असत्यता ही प्रकट होती है। यदि सत्य हो तो इसका कुछ प्रमाण दो। प्रहलाद ने कहा, अवश्य मैं प्रमाण देता हूँ, सुनो। प्रहलाद जी बोले, हे मित्रों, जब मेरा जन्म नहीं हुआ था और तुम सब भी जब नहीं जन्मे थे, तब मेरे पिता हिरण्यकश्यपु मंदराचल पर्वत पर तपस्या करने गए थे, और यहाँ रहकर उन्होंने बहुत दिन तक घोर तपस्या की। यह बात तो तुम लोग भी सुने होगे। उस समय जब दैत्यराज के अभाव में देवराज इंद्र ने हमारे पिता के नगर और राज पर आक्रमण कर दिया, तो समस्त दैत्य वंश का एक प्रकार से सर्वनाश हो गया था। इंद्र ने मेरे पिता के भवन को लूट खसोट कर मेरी माता को पकड़कर बांध लिया और साथ लेकर अमरावती को प्रस्थान किया। दैत्यों में कोई भी ऐसा नहीं था जो इंद्र के आक्रमण को रोकता,
तब इंद्रपुरी को जाते हुए सहसा रास्ते में महात्मा नारद जी से इंद्र की भेंट हो गई। नारद जी ने इंद्र की यात्रा का कुशल क्षेम पूछकर सब वृतांत सुना और मेरी माता को एक वादिनी के रूप में देख इंद्र से कहा कि हे देवराज, और सब जो आपने किया हो तो ठीक है, किंतु इस स्त्री को बांध कर कहाँ ले जाते हैं? एक तो यह स्त्री है, दूसरे पति अनुरक्त, और यह गर्भिणी भी है। ऐसी दशा में इसको बांध कर ले जाना आपको शोभा नहीं देता। मेरे विचार से तो इसे आप शीघ्र ही मुक्त कर दें। इंद्र ने कहा कि इससे उत्पन्न संतान जब मुझसे शत्रुता करेगी तब क्या होगा? नारद जी ने विचार कर इंद्र को आश्वासन दिया कि आप इसकी चिंता न करें, मैं जानता हूँ कि इसके गर्भ से एक परम साधु और ईश परायण पुत्र उत्पन्न होगा, और यदि आपको इस पर विश्वास न हो तो आप छोड़िए, मैं अभी से इसको अपने आश्रम में ले जाकर रखूँगा और सब प्रकार से आपकी हित कामना का उद्योग करूँगा। हे बालकों, नारद जी के ऐसे आश्वासन पर इंद्र ने मेरी माता को बंधन मुक्त कर उनके हवाले किया। इंद्र से दूर मेरी माता वहीं बैठ गई जहाँ इंद्रादिक देवताओं का समूह उन्हें घेरे रखा था। तब उनके सबके बीच में बैठी हुई मेरे माताजी की नारद जी ने कई प्रदक्षिणा की और पुनः ने अपने साथ ले अपने आश्रम को चले गए। आश्रम में पहुंचकर नारद जी ने मेरी माता को सुखपूर्वक रहने के लिए सब प्रकार का प्रबंध कर दिया और वह वहाँ रहने लगी। मेरी माता भी यही चाहती थी कि किसी प्रकार मेरा गर्भस्थ बालक पूर्ण समय पाकर कुशल से उत्पन्न हो जाए, फिर आगे जैसा होगा किया जाएगा। इस विचार को लेकर बड़ी भक्ति से महर्षि की बड़ी सेवा किया करती थी। तब इनकी सात्विक प्रकृति को देख नारद जी प्रसन्न होकर मेरी माता को धर्म के सब निर्दोष तत्वों को बतलाकर भव्य ज्ञान का उपदेश दिए। उस उपदेश को मिले आज बहुत दिन हो गए, और हो सकता है कि स्त्री स्वभाव के कारण मेरी माता को उसका स्मरण भी न हो, किंतु उन सामर्थ्यशाली ऋषि ने तो उस ज्ञान को विशेषकर मेरे लिए ही कहा था, जिससे मुझे वह पूरा स्मरण है। यदि मेरे इस कथन पर विश्वास होगा तो तुम लोग भी उस ज्ञान को प्राप्त कर लोगे। तुम यह न समझो कि हम बालक हैं, हमें ज्ञान कैसे प्राप्त हो गया, यह बात नहीं है। ज्ञान का प्राप्त होना किसी अवस्था पर निर्भर नहीं है। जिसका कर्म जितना पवित्र होता है वह उसके अनुसार ज्ञान लाभ करता है। इसी प्रकार से ज्ञान की अनेकों बातें नारद जी ने मेरी माता को कहा, और यह भी कहा कि हे वत्से, जब तक तुम्हारा पति ना आवे तब तक तुम यही रहो। माता जी ने कहा कि स्वीकार है, वे ऋषि के आश्रम में रहने लगी। हे दैत्यो, इसी प्रकार नारद जी मेरे गुरु हुए। हे सखाओं, देवता, दैत्य, मनुष्य, पक्षी और गंधर्व कोई क्यों न हो, यदि वह भगवान विष्णु के चरणों को भजता है तो वह हमारे ही समान कल्याण का भागी होता है। भगवान की भक्ति के लिए जाति पाति का कोई भेद नहीं है। भगवान तो केवल एकमात्र भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। भेद रहित भक्ति उनको बहुत प्रसन्न करती है। ऐसी भक्ति से वे जितना प्रसन्न होते हैं उतना दान, तप, यज्ञ, शौच और व्रत आदि किसी भी क्रिया से प्रसन्न नहीं होते। हे दानवो, तुम सब उन्हीं भगवान विष्णु को की भक्ति करो। भक्ति से बढ़कर दूसरा कुछ नहीं है। विष्णु भगवान सब में विराजमान है। यदि संसार में सबसे अधिक कोई उपयोगी वस्तु है तो वह है श्री विष्णु जी की भक्ति, और सब में उन्हीं को देखना धर्म है। तो बोलिए जय श्री हरि, जय श्री हरि।